हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम सब के घरों में ऐसे पुराने प्लास्टिक के चेयर्स ज़रूर होते हैं जो काफ़ी रिलायबल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर इसका एक भी पार्ट टूट जाए तो ये बैठने के काम बिल्कुल नहीं आता। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही टूटे हुए प्लास्टिक चेयर से दो ऐसे आपके घर में काम आने वाली चीज़ बनाने वाली हूँ, जिसे देखकर आप नेक्स्ट टाइम अपने टूटे हुए प्लास्टिक चेयर को बिल्कुल नहीं फेंकोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, डिस्कार्डेड प्लास्टिक चेयर को रिसाइकिल करके आप बना सकते हैं इस तरीके का प्यारा सा बच्चों के लिए बैठने वाला स्विंग। तो इसके लिए हमें प्लास्टिक चेयर को हैंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं ले रही हूँ ये आयरन रॉड और इसे अच्छे से गर्म करके प्लास्टिक चेयर पे पियर्स करते जाएं। तो जितना आप हॉरिजॉन्टल सिटिंग में होल कर रहे हैं, उतना ही होल्स आपको वर्टिकल सेक्शन में भी करना पड़ेगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल पियर्सिंग द चेयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए बहुत ही मोटे कपड़े से मैं इसे हैंडल कर रही हूँ। होल्स करने के बाद इसके डिफेक्टिव आर्म्स को भी मैं हैक्सॉ से कट करके निकाल लूँगी। हैक्सॉ बेसिकली वुडन फर्नीचर्स कट करने के काम में आता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ और यहाँ ये चीज़ पहले से ही अवेलेबल हैं, इसलिए मेरा काम काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का टूल घर पे अवेलेबल नहीं है, सिंपली नाइफ़ को गर्म करके भी इन्हें कट कर सकते हैं। अब दोनों आर्म्स को कट करने के बाद नीचे के फोर लेग्स को भी मैं कट करके निकाल लूँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट DIY में कि मैं इनका यूज़ किस तरीके से करने वाली हूँ। अब चूंकि प्लास्टिक चेयर मेरा ग्रे कलर का है और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए मैं सबसे पहले इसे वाइट स्प्रे पेंट से बेस कोट दूँगी। अगर आपके पास इसके अलावा वाइट या क्रीम कलर का प्लास्टिक चेयर है और आप ये DIY घर पे ट्राई करते हैं, तो आप बिना बेस कोट दिए भी अपना मनचाहा कलर करके इसे कलरफुल बना सकते हैं। स्प्रे पेंट सूखने के बाद हमें चेयर को हैंग करना है, इसलिए मैं इस तरीके का प्लास्टिक रोप ले रही हूँ। ये मेरे पास पहले से ही अवेलेबल थी, इसलिए मेरे पास कोई कलर ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप इस रोप के अलावा अगर कॉटन रोप यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी बेहतर है। अब इस रोप को सारे होल्स में मैं इंसर्ट कर दूंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे हैंग करना चाहते हैं। So here it is guys, my DIY swing is completely ready। आप अपने अकॉर्डिंग इसे डेकोरेट कर सकते हैं। यू कैन यूज सम आर्टिफिशियल ग्रीनरी टू मेक इट मोर अपीलिंग, ईदर यू कैन गो विथ सम डेकोरेटिव लेस। बट राइट नाउ सिंस नन ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल विथ मी, दैट इज वाई आई एम प्लेसिंग टू कलरफुल कुशंस टू मेक इट मोर कम्फर्टेबल एंड लेट योर चाइल्ड रिलैक्स एंड एंजॉय द कोजी इवनिंग।
नाउ सेकेंड आइडिया जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो है ये शानदार साइड टेबल, जिसे आप बहुत ही यूनिकली कॉफ़ी टेबल के तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए जो भी हमने प्लास्टिक चेयर के लेग्स कट किए थे उनमें से 3 लेग्स मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तीनों लेग्स को आपस में मेजर करके सभी के लेंथ को इक्वल कर लूँगी। अब टेबल के टॉप सरफेस को बनाने के लिए कार्डबोर्ड से अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप कट करके निकाल लें। मैंने यहाँ थोड़ा कर्वी शेप चूज़ किया है। अब लेग्स से टॉप पार्ट के शेप को कार्डबोर्ड पे ट्रेस करके इसे कट करके निकाल लें। टेबल के सरफेस को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए मैंने सेम इसी शेप के 2 और कार्डबोर्ड कट करके इन्हें आपस में पेस्ट कर दिया है। अब जितने भी लेग्स के ट्रेसिंग्स हमने कट किए थे इसी जगह पे वापस लेग्स को इंसर्ट कर दें और इन्हें प्रॉपरली फिक्स करने के लिए एम सील या कोई भी क्ले से सारे लेग्स के कॉर्नर को सील कर दें। अगर आप मार्केट से क्ले परचेज नहीं करना चाहते हैं तो होममेड क्ले बहुत ही इजी वे में किस तरीके से बनाना है इसका ट्यूटोरियल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नीचे की साइड क्ले लगाने के बाद ऊपर के सरफेस पे भी क्ले लगाना बहुत ही ज़रूरी है टू फिक्स एंड लॉक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेग्स परमानेंटली। अब टेबल के टॉप सरफेस को टेक्सचर पेस्ट से कम्प्लीटली कवर कर दें। हियर आई हैव यूज्ड पीओपी पाउडर टू मेक द पेस्ट। अगर आप साइड टेबल का एक और वेरिएंट देखना चाहते हैं तो ये सनफ्लावर स्टाइल्ड साइड टेबल का ट्यूटोरियल ज़रूर देखें। इस प्रोसेस का पूरा ट्यूटोरियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। एंड वन थिंग मोर गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज हिट द लाइक बटन टू मोटिवेट माई वर्क लिटिल बिट मोर। और अगर आप पीओपी से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग डीआईवाई ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। टिल देन गाइज, इन्जॉय द आउटकम ऑफ दिस टेबल और किस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया है वो देखना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड बी क्रिएटिव।